चलो क्वेश्चन नंबर 4. सनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रेनी लिमिटेड. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. सनी लिमिटेड और रेनी लिमिटेड के लिए दोनों के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं और पीई मल्टीपल दिया हुआ है. राइट, तो ये 3 और 2 हमारे पीई मल्टीपल है जो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए यूज में आ सकते हैं. आगे बोला है इफ मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस व्हाट इज ईपीएस ऑफ द न्यू फर्म. मतलब इन शॉर्ट आफ्टर मर्जर ईपीएस पूछा गया है जिसके लिए हमें चाहिए होगा पोस्ट मर्जर पैट और पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. पोस्ट मर्जर पैट के लिए हमारे पास में गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इन दोनों की टोटल मतलब हमारे लिए हो गए पोस्ट मर्जर पैट. क्योंकि जब रेनी लिमिटेड को सनी लिमिटेड एक्वायर कर लेगी तो उनका प्रॉफिट भी तो सनी लिमिटेड का हो जाएगा. तो सिमिलरली 3 लाख रुपीज प्लस 75,000 रुपीज ये हो गए हमारे पोस्ट मर्जर की कैलकुलेशन. पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें इंडिविजुअल सनी लिमिटेड के पता है 50,000 रुपीज बट रेनी लिमिटेड को एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से कितने मिलने वाले हैं शेयर्स वो हमें पता नहीं, जिसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है. राइट, एक बार ये मिल गया तो हम लोगों को ईपीएस मिल जाएगा. राइट, इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक कैलकुलेशन चाहिए होंगे. हमें चाहिए होंगी मार्केट प्राइस पर शेयर. अब मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए. वो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई मल्टीपल. क्वेश्चन में हमारे पास में पीई मल्टीपल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म के लिए दिया है लेकिन ईपीएस नहीं दिया है. तो ईपीएस फाइंड आउट करना पड़ेगा और ईपीएस के लिए फॉर्मूला है पैट लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो अल्टीमेटली पैट ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो एस लिमिटेड दैट इज सनी लिमिटेड के लिए जो प्रॉफिट था वो है हमारे लिए 3 लाख रुपीज अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000 रुपीज. ये बन गया ईपीएस फॉर सनी लिमिटेड. और दूसरा कैलकुलेशन बनेगा 75,000 अपॉन 10,000 विल गिव अस द ईपीएस फॉर रेनी लिमिटेड. और सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है. तो आंसर आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट एंटर करोगे. वेरी गुड, एस के लिए आया 6 और रेनी लिमिटेड के लिए आया कितना फिर? 6 क्या बात है, बड़े डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से कर लिए. 6 and 7.5 पर शेयर, ये आ गया अर्निंग पर शेयर. इस अर्निंग पर शेयर्स को, इन वैल्यूज को हम लोगों को यूज करना है मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेशन में. ईपीएस इंटू पीई मल्टीपल. एस लिमिटेड के लिए मिला हुआ ईपीएस दैट इज 6 इंटू पीई मल्टीपल एस लिमिटेड का था 3. आंसर विल बी रुपीज 18 पर शेयर. 18 इसका आया. और इनके लिए जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 7.50 इंटू 2 दैट इज 15 पर शेयर. ये क्या मिल गया हमें? मार्केट प्राइस पर शेयर मिल गई. अब मार्केट प्राइस पर शेयर मिली है और हमें आफ्टर मर्जर ईपीएस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए जो हमें नई कंपनी के शेयर्स हम लोग देने वाले हैं, हमें एक्विजिशन जिस कंपनी का कर रहे हैं उन शेयर होल्डर्स को. तो अगर इस तरह से कैलकुलेशंस बनने चाहिए तो हमें चाहिए होगा एक्सचेंज रेशियो. और एक्सचेंज रेशियो हम लोगों को डायरेक्टली मिल सकता है हमारे
कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को मिल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। यही फॉर्मूला यूज करके इस लेवल पे फॉर्मूला मिलता है क्या, देखो चेक करो, नंबर्स मिलते हैं क्या चेक करो। तो सेलिंग कंपनी का एमपीएस, सेलिंग कंपनी कौन सी है, एस लिमिटेड या रेनी लिमिटेड, रेनी लिमिटेड राइट। तो रेनी लिमिटेड जो होगी वो रेनी लिमिटेड का सेलिंग कंपनी का एमपीएस दैट इज कितना है, 15 या 18 अपॉन परचेसिंग कंपनीज एमपीएस, अपॉन परचेसिंग कंपनीज एमपीएस कितना है परचेसिंग कंपनी का एमपीएस, तो ये है 18 एस लिमिटेड के लिए, 15/18 इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अब सेलिंग कंपनी कौन सी थी, उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, 10,000, तो यहां पे लिख दो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर 15/18 इनटू 10,000। अरे ये क्या, अब तो ये कैलकुलेशन किस में आया, किस तरीके से आया राइट, 83.30, ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, और फ्रैक्शन में शेयर्स हो सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं राइट। तो इस तरह का ये कैलकुलेशन यहाँ पे फ्रैक्शन में आने की वजह से हम लोग इसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने जो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन सीखा था यहाँ पर इंटू 100 करके, चेक करो उस हिसाब से कुछ राउंड ऑफ करके फिगर डायरेक्टली मिलती है क्या। तो यहाँ कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से और वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर्मूलाज के हिसाब से, अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इज इक्वल टू 15/18 इनटू 100, जो परसेंटेज मिलेंगे वो हो गए हमारे 15/18 इनटू 100 दैट इज 83.33% राइट। तो इसे अगर परसेंटेज में लिखते हैं 83.33%, यह आया हमारा आंसर। इसे मल्टीप्लाई करो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स से, जो ओल्ड कंपनी के शेयर्स थे, मतलब कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स इनटू 83.33% विल गिव अस द आंसर 10,000 इनटू 83.33%। एवरीवन समझ में आया, एवरीवन समझ में आया, हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या करना होगा, सिर्फ एक चेंज करना होगा, यहाँ पे जो राउंड ऑफ था वो राउंड ऑफ हम लोग कट कर देंगे, डायरेक्टली हमें फिगर मिलेगी 8333 राइट। ये क्या है हमारे शेयर्स, और इन शेयर्स को हम लोग यूज करेंगे हम लोग हमारी पोस्ट मर्जर कैलकुलेशंस में, जहां पे क्वेश्चन मार्क्स रखा था 8333। अल्टीमेटली आंसर बताओ कितना आएगा, कैलकुलेशन के हिसाब से 375,000 अपॉन 58,333 वैल्यू 375,000 अपॉन 58,333 6.43 एग्जैक्ट आंसर। जिनका 6.43 आंसर आया था, चाहे उन्होंने वर्किंग नोट यहां पे 1 से किया हो या फिर 2 से किया हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दिस इज आर फाइनल आंसर। द ईपीएस ऑफ अ न्यू फर्म, न्यू फर्म कौन सी होगी,
तो सनी लिमिटेड ही है लेकिन वो रेनी लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद जो बनी है वो, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट क्वेश्चन इन अ वन सिंगल शॉट। कट एंड पेस्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 5, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतने ही लाइंस का सॉल्यूशन है या फिर उससे कम, ऐसा क्यों? क्वेश्चन ठीक से देख लो और फिर बाद में एनालाइज करो क्यों क्वेश्चन में कितना क्या क्या पूछा है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ टू कंपनीज, कृष्णा लिमिटेड एंड रामा लिमिटेड। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स रुपीज में दिए हैं 7 लाख 10 लाख, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स 2 लाख 4 लाख, अर्निंग्स पर शेयर दी हुई है 3.5 एंड 2.5 पर शेयर, एट इज ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो एट इज पीई मल्टीपल दिया हुआ है 10 टाइम्स एंड 14 टाइम्स। मार्केट प्राइस पर शेयर ये भी दी हुई है साथ में, विच इज 35 एंड 35 इक्वली। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि पी रेशियो भी दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ है और ईपीएस भी दिया हुआ है, तो कैलकुलेट क्या करना है? आगे दिया है कंपनी रामा लिमिटेड इज एक्वायरिंग द कंपनी कृष्णा लिमिटेड, रामा कृष्णा को एक्वायर करने वाले हैं, एक्सचेंजिंग इट्स शेयर ऑन अ 1-to-1 बेसिस फॉर अ कंपनीज कृष्णा लिमिटेड शेयर्स। एक शेयर के बदले में एक शेयर, एक्सचेंज रेशियो होगा। द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ टू कंपनीज। चेक कर लो क्वेश्चन में दिए हुए जो इंफॉर्मेशन है मार्केट प्राइस, वो 35-35 सेम है और उसी के बेसिस पे 1:1 का रेशियो हमारे लिए एक्सचेंज रेशियो है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू मर्जर, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस फाइंड आउट करना है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1-4 में फाइंड आउट किया ईपीएस आफ्टर मर्जर। साथ ही साथ पूछा गया है चेंजेस इन द ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ रामा एंड कृष्णा लिमिटेड। चेंजेस मतलब क्या? जब राम लिमिटेड बिफोर मर्जर एंड पोस्ट मर्जर, इनके जो ईपीएस हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें बिफोर मर्जर भी चाहिए होगा और पोस्ट मर्जर भी। बिफोर मर्जर ईपीएस 3.5 दिया हुआ है, पोस्ट मर्जर जो मिलेगा उसे इसके साथ कंपेयर करना है और चेंज जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे आंसर देना है। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पोस्ट मर्जर फर्म इज ऑल्सो आस्क्ड हियर। पोस्ट मर्जर फर्म की मार्केट वैल्यू पूछी गई है। ये मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने ईवीए के कैलकुलेशन में, एमवीए के कैलकुलेशन में सीखा था। The profits accruing to the shareholders of a both companies, ये भी हमें find out करना है। तो मतलब पहले तीन जो questions हैं वो हम लोगों ने अभी solve किए हुए हैं और profits accruing to the shareholders हमें नया सीखना है। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले एक के बाद एक जो दी हुई information है उसे लिख लो। सबसे पहले आएगा important चीज जो कि हमारे exchange के लिए, acquisition के लिए काम में आती है, सॉल्यूशन में आने वाली सबसे पहली चीज, वो क्या होगी? एक्सचेंज रेशियो। पॉइंट नंबर 1 दैट इज एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो कितना है? 1:1, सॉरी 1:1, ये हमारा एक्सचेंज रेशियो है। तो जो नए शेयर्स इशूड होंगे, न्यू शेयर्स इशू होंगे, वो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे लिख देते हैं। मतलब जो एक्वायरिंग कंपनी होगी वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इशू करेंगे? न्यू शेयर्स इशूड, और ये है हमारे नंबर्स में 2 लाख शेयर्स, राइट।
आगे चल के और क्या क्या पूछा गया है। अब हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस जब कैलकुलेट करना होता है तब हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है कि पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लगते हैं और पोस्ट मर्जर पैट भी लगता है। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस के लिए लगने वाले नए इशू किए जाने वाले शेयर्स अभी हमारे पास में मिले हैं और पहले से जो इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी रामा लिमिटेड के पास में है, जो एक्वायरिंग कंपनी है, वो भी हमारे पास में है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पर एडिशनल कैलकुलेशन जो है वो एडिशनल कैलकुलेशन रिलेटेड टू एक्चुअल पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे होंगे? तो एग्जिस्टिंग रामा लिमिटेड के 4 लाख शेयर्स प्लस अभी जो हम लोग नए इशू करने वाले हैं कृष्णा लिमिटेड को, उनके लिए 2 लाख शेयर्स, अल्टीमेटली ओवरऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बन जाएंगे हमारे पास में 6 लाख नंबर्स। हाँ बोलो सर, वो 2 लाख शेयर्स 1:1 के रेशियो से आया ना, एग्जैक्टली 4 लाख और उसका 1:1। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1:1 कैसे मिला? तो ये 2 लाख रुपीस पहले के थे टू लाख शेयर्स, का 2 लाख, राइट, 2 लाख पे 2 लाख मिल गए। एग्जैक्टली राइट, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए, राइट। इसी तरह से पोस्ट मर्जर पैट भी हमारे पास में अवेलेबल है। क्वेश्चन में दिया हुआ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स जिस तरह से मिले थे उस तरह से पैट भी अवेलेबल है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे मिलेगा? अगेन सेम कैलकुलेशन, पहले और नई कंपनी का दोनों का प्रॉफिट ऐड कर दो। हमारी जो एक्वायरिंग कंपनी है उसका प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज और जो सेलिंग कंपनी है कृष्णा लिमिटेड उसका प्रॉफिट है 7 लाख रुपीज। अल्टीमेटली टोटल हो जाएगा 17 लाख रुपीज, राइट। ये 17 लाख रुपीज हमारे लिए क्या है? ओवरऑल पोस्ट मर्जर प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे चल के आते हैं और हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी ईपीएस सब्सिक्वेंट टू मर्जर। अब ईपीएस सब्सिक्वेंट मर्जर के लिए लगने वाले पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स भी और पोस्ट मर्जर पैड भी है, तो सिंपल कैलकुलेशन करके हम लोग यहां पर डायरेक्टली 5th नंबर पे न्यू ईपीएस या पोस्ट मर्जर ईपीएस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी रिटर्न था पहले, ये आफ्टर मर्जर वाला पोस्ट मर्जर पैट अपन पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसे यूज करके हम लोग यहां पर कैलकुलेशंस में लिखेंगे पोस्ट मर्जर पैट दैट इज 17 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख। कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.83 पर शेयर, रुपीज 2.83 पर शेयर। ये हमारे लिए क्या बन गया? पोस्ट मर्जर ईपीएस बोल्ड में लिखा क्योंकि वो पूछा था हमें, ठीक है। आगे पूछा है चेंजेस, चेंजेस इन ईपीएस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ रामा लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड। अब चेंजेस कैसे फाइंड आउट करने हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चेंजेस इन ईपीएस फाइंड आउट करने हैं। तो इसे फाइंड आउट करने का तरीका या फॉर्मूला, न्यू ईपीएस लेस ओल्ड ईपीएस, न्यू ईपीएस लेस ओल्ड ईपीएस। तो इंडिविजुअल फर्म के लिए, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स? रामा लिमिटेड के लिए भी और कृष्णा लिमिटेड के लिए भी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे चेंजेस के लिए, सिर्फ मिनिमाइज करके या मैक्सिमाइज, सॉरी माइनस करके, आर एंड के दोनों कंपनीज के लिए। तो आर कंपनी रामा लिमिटेड के लिए जो न्यू ईपीएस है वो न्यू ईपीएस कितना है?
2.83 माइनस ओल्ड डीपीएस जो बैलेंस शीट में दिया था अर्निंग्स पर शेयर 2.50 तो चेंज जो हुआ तो पहले का ईपीएस 2.50 था अब 2.83 है तो कितने से बढ़ा चलो बताओ कितने से बढ़ा ये ईपीएस इंक्रीज इन ईपीएस इंक्रीज इन ईपीएस बाय 0.33 बाय रुपीज 0.33 बाय 0.33 पर शेयर ठीक है ये इंक्रीज हुआ इसी तरह से कुछ कैलकुलेशन में भी के लिमिटेड के लिए भी होंगे अब के लिए कितना होगा सिमिलर कैलकुलेशन 2.83 माइनस पुराना कितना था 3.50 ओ यहां पे तो कम हो गया पुराना था 3.50 और नया बन गया यहां पर हमारे लिए 2.83 तो यहां क्या हुआ है डिक्रीज इन ईपीएस बाय कितने रुपए से डिक्रीज हुआ चलो कैलकुलेशन करके बताओ 3.5 में से 2.87 गया यस डिक्रीज है तो डायरेक्टली 0.67 हम लोग यहां पर लिख देंगे क्योंकि यहां पे हम लोग डिक्रीज लिख रहे हैं राइट तो माइनस का साइन देने की यहां पे जरूरत नहीं सिर्फ चेंज लिखना होता तो यहां पे 0.003 और यहां पे -67 लिखते 0.67 तो चलता था तो सेकंड क्वेश्चन जो था चेंजेस इन ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ रामा लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड ये इंक्रीज और डिक्रीज हमारे सेकंड पॉइंट यहां पे मिल गए नेक्स्ट आगे चल के हम लोगों को क्या पूछा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर फर्म अब मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर फर्म के लिए जो फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है पता है पहले वो तो बताओ कि मार्केट वैल्यू जो है इंडिविजुअल फर्म की वो कितनी होगी मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं तो चलो वो सीख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 वो है मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर फर्म मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है मार्केट वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये हमारे लिए है मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला अब मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में गिवन क्वेश्चन में कहीं पर भी मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अ पोस्ट मर्जर फर्म है क्या तो अभी तक तो नहीं है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पोस्ट मर्जर हमारे पास मिल चुके हैं विच इज 17 लाख तो मार्केट वैल्यू के लिए एमपीएस के कैलकुलेशन के लिए हमें 8 नंबर का पॉइंट चेक करना होगा विच इज रिलेटेड टू एमपीएस ऑफ अ पोस्ट मर्जर फर्म एमपीएस दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अ पोस्ट मर्जर फर्म जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला विल बी पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पीई मल्टीपल ऑफ एक्वायरिंग कंपनी ये हमारा फॉर्मूला होगा
ऐसा क्यों? पोस्ट मर्जर ईपीएस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 2.83, राइट, और नई कंपनी का जो सॉरी न्यू कंपनी नहीं जो हमारी एक्वायरिंग कंपनी है उसका पीई रेशियो क्यों लेना है? क्योंकि अगर सपोज रामा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड को एक्वायर कर लिया तो कृष्णा लिमिटेड का बिजनेस विद देयर प्रॉफिट्स विद देयर शेयर्स विद देयर अर्निंग्स विद देयर मार्केट प्राइस विद देयर पीई मल्टीपल सभी का सभी रामा लिमिटेड का हो जाएगा और कृष्णा लिमिटेड की एंटिटी जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो होगा ही नहीं. तो विल कंसीडर ओनली द पीई मल्टीपल ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज रामा लिमिटेड और रामा लिमिटेड का पीई मल्टीपल होगा 14 टाइम्स. तो न्यू ईपीएस जो है पोस्ट मर्जर ईपीएस जो है उसे यूज करके दैट इज 2.83 पर शेयर इनटू पीई मल्टीपल 14 टाइम्स विल गिव अस द एक्चुअल एमपीएस ऑफ द फर्म आफ्टर मर्जर और जिसका आंसर होगा एमपीएस ऑफ द फर्म 2.83 इनटू 14 39.62 पर शेयर. सर हाँ बोलो. पी मल्टीपल 14 टाइम्स कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है ये देखो रामा लिमिटेड का पी रेशियो जो है वो 14 टाइम्स यहाँ पर दिया हुआ है. हाँ, ओके. ये आंसर मिला 39.62 मार्केट प्राइस पर शेयर. इसे यूज करो मार्केट वैल्यू के लिए और जो कैलकुलेशन बनेगा वो होगा 39.62 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. कौन से होंगे? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे विच इज 17 लाख एंड द फाइनल आंसर विल बी बताओ मार्केट वैल्यू के लिए सिंपल कैलकुलेशन करके मल्टीप्लीकेशन करके 39.62 इंटू 17 लाख 6 लाख अपना काउंटिंग में डाल दे. ऐसा जीरो कंफ्यूजिंग होता है. $6,73,54. हाँ बोलो. 17 लाख इज पोस्ट मर्जर प्रॉफिट राइट? वी हैव टू टेक शेयर्स ना. सॉरी सर 6 लाख राइट. I'm extremely sorry. ये 6 लाख शेयर्स आने चाहिए. सिक्स लाख शेयर्स के साथ में आंसर विल बी 2,37,72,000. ये होगी हमारी मार्केट वैल्यू. ओके और ये हमारे पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर. तो ये आ गया हमारी मार्केट वैल्यू. तो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में से हम लोगों को 4 अलग अलग चीजें पूछी गई थी जिसमें से पोस्ट मर्जर ईपीएस चेंजेस इन ईपीएस और मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर फॉर्म हम लोगों को मिल चुका है. अब आते हैं द प्रॉफिट्स एक्रूइंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनी राइट. अब प्रॉफिट्स कैसे पता चलेंगे? एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट करो और दूसरा ओवरऑल कंपनी का कैलकुलेट करो. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट नंबर 9 पे देखो. अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था जो एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन है ओवरऑल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ओवरऑल गेन और लॉस इसे फाइंड आउट कर रहे हैं. ओवरऑल गेन या लॉस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग या फिर न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन
लेस ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ये मार्केट वैल्यू 2,37,72,000, राइट, 2,37,72,000 लेस ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में से मिलते वक्त यहां पर देखो, चेक करो, कैलकुलेशन करते वक्त ये ओवरऑल गेन कितना होगा कहां से पता चलेगा? तो नॉर्मली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है, उन अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर बाकी सभी से, या फिर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इन टू पीई रेशियो, ये हमें मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो ये होगा हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ ओवरऑल टोटल गेन और लॉस, राइट। अब एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त अर्निंग्स, यहां पर कैलकुलेशन जो है यहां पर अर्निंग्स को कंसीडर करना है, ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसीडर करते वक्त अर्निंग्स कितनी थी इंडिविजुअली, अर्निंग्स कितनी थी इंडिविजुअली 7,00,000 and 10,00,000, और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें हमारे पीई मल्टीपल से, प्राइस अर्निंग रेशियो से। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है, पीई रेशियो मतलब क्या होता है, जितना हम लोगों ने पैसा लगाया होगा और उसके लिए हम लोगों को कितना अर्निंग्स मिला है, राइट। तो यहां पर कैलकुलेशन जो होगा वो यहां पे 7,00,000 प्लस 10,00,000, सॉरी 7,00,000 प्लस 1,40,00,000 विल बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कैसे आया वो भी बताता हूं, ठीक है, पहले ये समझ लो, आंसर निकालने से पहले ये ब्रैकेट वाली फिगर कहां से मिली, ठीक है, ये समझ लो। पहले आते हैं कृष्णा लिमिटेड के लिए, और कृष्णा लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड ओल्ड मार्केट कैपिटल। के लिमिटेड के लिए जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था 7,00,000 रुपीज, जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 7,00,000 रुपीज इंटू पीई मल्टीपल ऑफ के लिमिटेड, दैट इज कृष्णा लिमिटेड 10 times, 7,00,000 इंटू 10, सॉरी 70 लिखा था मैंने, 7,00,000 लिखा था, ये 70,00,000 आना चाहिए, 70 lakhs, और ये आएगा 1,14,00,000। सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी हम लोगों ने के लिमिटेड के लिए देखा, वैसे ही आर लिमिटेड रामा लिमिटेड के लिए आएगा 10,00,000, जो पहला प्रॉफिट था रामा लिमिटेड का, इनटू रामा लिमिटेड का पीई मल्टीपल विच इज 14 times, आंसर विल बी 70,00,000 एंड 1,40,00,000। ठीक है, ये आए हमारे आंसर। अल्टीमेटली फाइनल आंसर विल बी, वेरी गुड ध्रुव, 27,72,000 विल बी आर आंसर, विल बी आर ओवरऑल गेन और लॉस इन अकाउंटिंग। ये ओवरऑल गेन या लॉस हम लोगों को कहां पता चलेगा?
तो इंडिविजुअल शेयर्स के लिए, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए। अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं से इस तरह के कैलकुलेशंस तो समझ में आने चाहिए, राइट? कैसे पता चलेगा? तो जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटलाइजेशन है और जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है उससे हमें इससे इस तरह से कंपेयर करने होंगे। इसे कंपेयर करने के लिए पॉइंट नंबर 10, जो हमारा एक्चुअल में फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज टोटल द प्रॉफिट्स एक्रूइंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। अब दोनों कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स को एक्रू करने के लिए जो प्रॉफिट्स है उसे ओवरऑल कैलकुलेशन या गेन टू शेयर होल्डर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरी चीज लगेगी हमें कि एक्चुअल में मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये फाइंड आउट करनी होगी। देन ओवरऑल न्यू मार्केट वैल्यू, ये न्यू मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो यहां पर मैं सब सब पॉइंट्स लिख रहा हूं, ए बी या सी। न्यू मार्केट वैल्यू हमें मिलेगी ए इंटू बी से, ए इंटू बी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू न्यू मार्केट प्राइस, इससे हमें मिलेंगी ओवरऑल वैल्यू, राइट? ये कौन से नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? तो ये हमारे लिए न्यू नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। कौन से? न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। फिलहाल के लिए 1:1 रेशियो था तो नो चेंज आएगा, लेकिन फिर भी यहां पर न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर करने हैं। डी पॉइंट जो होगा वो डी पॉइंट रिलेटेड होगा विच इज द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू या फिर ओल्ड मार्केट वैल्यू, जिसे हम लोग कहेंगे ओल्ड मार्केट वैल्यू। ये ओल्ड मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी है या फिर अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट की थी, राइट? यहां पर ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था, ये ओल्ड मार्केट वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखी है, राइट? पॉइंट नंबर 9, सॉरी, कैलकुलेटेड इन पॉइंट 9, समझने के लिए, ये भी समझने के लिए जो बोल्ड किया है, राइट? अल्टीमेटली जो आंसर हमें चाहिए विच इज गेन और लॉस, वो गेन या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा शेयर होल्डर्स के लिए, वो होगा गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स। वो किस तरह से फाइंड आउट होगा? तो जो हम लोगों ने न्यू मार्केट वैल्यू फाइंड आउट की है वो, और ओल्ड मार्केट वैल्यू है वो, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे यहां पे हम लोगों ने न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन और ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिविजुअल फर्म का करना है, इसलिए इस तरह के कैलकुलेशन। ओवरऑल तो हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट करके ही रखा है, तो इसका कैलकुलेशन बनेगा सी माइनस, सी माइनस डी। अब ओवरऑल कौन कौन सी फर्म है हमारे पास में? एक है रामा लिमिटेड और दूसरी है कृष्णा लिमिटेड। रामा लिमिटेड के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? रामा लिमिटेड के बैलेंस शीट में दिए हुए नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने हैं? तो इनके ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले से दिए थे वो कहो या फिर न्यू कहो, रामा लिमिटेड के खुद के जो शेयर्स थे वो थे 4 लाख शेयर्स। कहां से मिले 4 लाख? बैलेंस शीट में से, गिवन इंफॉर्मेशन में से, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। रामा लिमिटेड के थे 4 लाख और कृष्णा लिमिटेड के जो 1:1 के रेशियो से मिलेंगे वो न्यू होंगे 2 लाख। न्यू मार्केट वैल्यू, न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर, ये न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर हम लोगों ने कहीं पर कैलकुलेट किए हैं क्या? तो हाँ, हम लोगों ने एक जगह पे न्यू मार्केट प्राइस कैलकुलेट की थी इन द पॉइंट नंबर 8, राइट? इन पॉइंट 8,
विच इज 39.62। और सेम 39.62 यहां पर कृष्णा लिमिटेड के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो नई जो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये नई मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को न्यू मार्केट वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। न्यू मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ए इंटू बी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू पर शेयर पोस्ट मर्जर, दैट्स व्हाई इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 39.62 विल गिव अस द आंसर ऑफ मार्केट वैल्यू फॉर रामा लिमिटेड, जो नई वैल्यू होगी वो 1,58,48,000। सिमिलर कैलकुलेशन फॉर कृष्णा लिमिटेड ऑल्सो विच इज 79,24,000। ओल्ड मार्केट वैल्यू जो अभी हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट की थी 70 लाख एंड 1,40,000, कृष्णा लिमिटेड के लिए थी 70 लाख। और रामा लिमिटेड के लिए जो वैल्यू दी थी वो है 1,40,00,000। राइट, डिफरेंस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, डिफरेंस जो होगा वो न्यू मार्केट वैल्यू और ओल्ड मार्केट वैल्यू इन दोनों के लिए, दिस माइनस दिस विल गिव अस द आंसर ऑफ द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनी। न्यू मार्केट वैल्यू माइनस ओल्ड मार्केट वैल्यू, यही सेम कैलकुलेशन फॉर कृष्णा लिमिटेड ऑल्सो। 18,48,000 एंड 9,24,000, इन दोनों की टोटल आएगी 27,72,000। कंफर्म करो एवरीवन, प्लीज कंफर्म, कंफर्म करके यस और नो बताओ क्वेश्चन में, सॉरी चैट बॉक्स में। राइट, और ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन का जो हमें पूछा गया था। राइट, सिंपली कैलकुलेशन करते वक्त इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, तो जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया है वो सबसे पहले लिखना है हमें, उसके बेसिस पे जो इजी कैलकुलेशंस मिलेंगे उसे कैलकुलेट करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे गिवन इंफॉर्मेशन पे एक के बाद एक। राइट, पहले ईपीएस कैलकुलेट करो, फिर चेंजेस इन ईपीएस कैलकुलेट करो, फिर मार्केट वैल्यू कंसीडर करो। मार्केट वैल्यू एक बार कंसीडर हो गई कि ओवरऑल गेन और लॉस फाइंड आउट कर लो, तो हमें मिलेगा ओवरऑल गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स। अब यहां पे गेन है सिर्फ, दोनों भी फिगर्स पॉजिटिव है, तो हम लोग यहां पे गेन और लॉस की जगह पे सिर्फ लिखेंगे गेन टू द शेयर होल्डर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।